नमस्कार दोस्तों, आज का केस स्टडी हमारा कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड कंपनी के बारे में। हम इस कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड एक इंडियन स्पोर्ट्स एंड एथलीटिक फुटवेयर ब्रांड है, जो मल्टीपल कलर, स्टाइल और अफोर्डेबल प्राइस में कई तरह की फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी के भारत में 17% मार्केट शेयर है और ये देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली फुटवेयर कंपनी है। कैंपस के पास भारत में 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें एनुअली 80 मिलियन से भी ज्यादा फुटवेयर पेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। कंपनी का 400 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और 18,200 रिटेलर के साथ साथ ऑनलाइन में भी ये अपना माल बेच रही है। ये जो कंपनी है, एक IPO के माध्यम से 1,400 करोड़ रुपए की जुटाने की योजना बना रही है, जो पूरी तरह से एक ऑफर फॉर सेल है। तो दोस्तों, चलिए हम इसके जो टॉप लीडर्स है वो कौन कौन है उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है मिस्टर हरिकृष्ण अग्रवाल, जो इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसके बाद आते हैं निखिल अग्रवाल, जो इसके होल टाइम डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। उसके बाद आते हैं अनिल राय गुप्ता, इसके नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। उसके बाद अंकुर नंद थड़ानी, इसके नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो आप यहां देख सकते हैं इसके बहुत सारे जो मतलब लीडर्स हैं, इनके जो हेड पर्सन से बहुत ही एक्टिव एंड बहुत ही मतलब शानदार बिजनेसमैन भी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इनका नाम, इनके नितिन सावरा, इस यहां पे जय कुमार गर्ग, मिस मधुमिता गांगुली, और आप यहां देख सकते हैं अनिल कुमार चनाना। तो आप देख सकते हैं इनके कहीं सारे मिस्टर, इनके जो फाइनेंशियल ऑफिसर ये रामन चावला, ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल ऑफिसर इसके हैं। इसके बाद आते हैं पीयूष सिंह, इसका चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर। उसके बाद आते हैं प्रेरणा अग्रवाल, इसका चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है। उसके बाद आते हैं रघु नारायणन, इसके कंट्री हेड सप्लाई चेन है। उसके बाद सुरेंद्र बंसाल, इसका कंट्री हेड MBO है। उसके बाद उपला तिवारी, कंट्री हेड रीजन। आप यहाँ पे इनके वेबसाइट में विजिट करके देख सकते हैं इनके साथ बहुत सारे लीडर्स जिनके अंडर ये कंपनी रन कर रही है। तो दोस्तों, चलिए इसका कंप्लीट फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर एक नजर डालते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैपिटल वो 12,340 करोड़ की है। इसका जो अभी मैं जिस वक्त ये वीडियो शूट कर रहा हूं, इसका जो करंट प्राइस वो 405 पे चल रही है। और आप यहां देख सकते हैं इसका जो स्टॉक पीई वो 112 है, ये थोड़ा ज़्यादा पीई है। तो इन फ्यूचर में हो सकता है शेयर का प्राइस थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसका दूसरे कंपटीटर के साथ देखेंगे उनका पीई रेशियो कितना है, तब हम पता लगा सकते हैं कि इसका पीई बहुत ज़्यादा है या फिर कम या फिर एक सही लिमिट में है। तो इसका जो बुक वैल्यू है उसको 15.7 पे है और ये 0% डिविडेंड ईल्ड करता है। ये थोड़ा देखने वाली कंपनी है, क्योंकि कैंपस बहुत ही अच्छा ब्रांड है, अच्छा मार्केट पे पकड़ बना के रखी है, तो इसका सेल्स भी बहुत अच्छे होते हैं और ये प्रॉफिट भी बना रहे हैं। लेकिन बात ये कि ये अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करता, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो इसका जो ROCE 31.9% है, इसका जो ROE उसका 29.5% है। आप इसका फेस वैल्यू यहाँ पर 5 रुपये देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। इसका प्रोस के बारे में बात किया जाए तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव 5 क्वार्टर, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अच्छे क्वार्टर नेक्स्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। उसके बाद डेटर डेज हैज इंप्रूव फ्रॉम 56.5 टू 40.9 डेज। इसके कॉन्स की बात किया जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 25.7 टाइम्स बुक वैल्यू से ऊपर ये ट्रेड कर रही है। एंड दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि कंपनी कंटिन्यूस प्रॉफिट बना रही है, लेकिन अपने इन्वेस्टर को कोई डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। एंड कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट को, शायद वो इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहा है। तो चलिए इसके जो पीयर कंपैरिजन आप यहां देख सकते हैं, इनका जो पीयर कंपैरिजन वो रिलैक्सो फुटवेयर के साथ, बाटा इंडिया के साथ, मिर्जा इंटरनेशनल के साथ, श्री लेदर्स, ख्यातिम और लिबर्टी शूज के साथ है। तो आप यहां देख सकते हैं इनके रिलैक्सो का जो पी रेशियो 125 है और हमारे कैंपस का 111, लगभग एक जैसे आसपास की पी रेशियो। लेकिन बाटा के देखा जाए तो 56.62, मिर्जा का उसका 21.10, श्री लेदर का 17.85, ख्यातिम का 22.08 और लिबर्टी का 28.25.08 का इसका पी रेशियो दिखा रहा है। तो दोस्तों, चलिए हम इसके ये जो क्वार्टर में ये किस तरह से परफॉर्म किया, चलिए हम देख लेते हैं। हम जून 2022 से लेकर दिसंबर 2022 के अंदर हम लोग इसका टोटल देखेंगे क्या सेल्स हुआ है और क्या प्रॉफिट ये कमाई है। तो सबसे पहले देखते हैं जून में इसका जो सेल्स वो 338 करोड़ का था, उसमें से एक्सपेंसेस आपका 276 करोड़ का एक्सपेंस हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 62 करोड़ का था और आप जो नेट प्रॉफिट वो जून 2022 में वो 31 करोड़ की नेट प्रॉफिट बनाया। और वो सेप्टेम्बर 2022 की बात किया जाए तो सेल्स ये 333 करोड़ का, मतलब थोड़ा सा सेल्स कम हो गया था और एक्सपेंस उसका 290 करोड़ का। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि सेल्स थोड़ा कम हो गया लेकिन एक्सपेंस थोड़ा बढ़ गया और जो नेट प्रॉफिट भी वो घट गया, क्योंकि एक्सपेंसेस थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए आपका नेट प्रॉफिट थोड़ा कम दिखा रहा है दिसंबर 2022 में। लेकिन सेल्स में बहुत ही अच्छा सेल्स दिखाया, 466 करोड़ का ये सेल किया और एक्सपेंस भी बहुत उसी हिसाब से 374 करोड़ का एक्सपेंस किया और बहुत ही अच्छा रिटर्न, मतलब 48 करोड़ की ये प्रॉफिट मार्जिन नेट प्रॉफिट बना लिया है। तो चलिए हम इसका एनुअली प्रीवियस 3 इयर्स का इसका क्या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर एक नजर डालते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं हम लोग यहां मार्च 2020 मार्च फाइनेंशियल ईयर में देखे जाए तो इसका जो नेट प्रॉफिट वो 60 करोड़ का हुआ था, मार्च 2021 में 27, थोड़ा घट गया शायद कोविड की वजह से, ये वैल्यू कम दिखा रहा है। लेकिन जैसे कोविड का असर कम हो गया, मार्च 2022 में आप देख सकते हैं जो नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा 109 करोड़ का प्रॉफिट ये बनाया। लेकिन सोचने वाली बात है कि प्रॉफिट तो बना रही लेकिन डिविडेंड नहीं दे रहा है अपना शेयर होल्डर को। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे इसका
जो टोटल एसेट के ऊपर एक नजर डालते हैं, देखते हैं इसका एसेट पिछले चार साल से इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग 2023 से अगर देखेंगे, इसका जो लायबिलिटी है 654 करोड़ का और एसेट 654 करोड़ का। मार्च 2021 में आपका टोटल एसेट 686 करोड़ का, मार्च 2022 में 964 करोड़ का और सितंबर 2022 में इसका 1263 करोड़ का। मतलब एसेट में कंटिन्यूस इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न वो देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर का शेयर वो 74.03% का है। मतलब आप सोच सकते हैं कि प्रमोटर का कितना बढ़िया होल्डिंग कंपनी के ऊपर है। मतलब ये माना जाता है जिस कंपनी में प्रमोटर का ज्यादा होल्डिंग होता है, डेफिनेटली इन फ्यूचर वो बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करके देता है। फिर भी हम लोग इसका चार्ट देखेंगे, प्रीवियस 10 ईयर्स में 21 तरह से अपने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि FIS का यहाँ 6% का शेयर होल्डिंग है, DIS का 6% का शेयर होल्डिंग है, पब्लिक का इसका 13.61% का शेयर होल्डिंग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम इसका चार्ट के ऊपर दोस्तों एक नजर डालते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कैंपस एक्टिवर का चार्ट है। हम यहाँ पे देखते हैं पिछले एक महीने में, ये तो आज का चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.72% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। वन मंथ में 7.05% का रिटर्न प्रोवाइड किया है और वन ईयर का रिटर्न देखें तो 8.60, मतलब 32 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है। आपका 9 में 2022 में इसका शेयर प्राइस 378 रुपीज़ था और आज के डेट में ये 411 दिखा रहा है। मतलब 8% का लगभग 8-9% का इंक्रीमेंट एक साल में देखने को मिला है। 5 साल का रिटर्न चले देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न। आप देख सकते हैं 5 साल पहले इसका शेयर प्राइस 332 में चल रहा था, मतलब ये 13 में 2022 को, और आज के डेट में जो ये 23% के ऊपर रिटर्न अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड किया है। अगर मैक्सिमम किया जाए तो 23, मतलब आप 13 में 2022 को भी यही जो इसका जो रिटर्न देखा जाए तो ये आपका सॉरी यहाँ पे आप जो 5 साल में किया था वो 13 में 2022 को ही ये जो शेयर मार्केट में लिस्टिंग हुआ था तो वहीं से ही डाटा दिखा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका लगभग एक साल के अंदर, एक साल भी नहीं हुआ है, आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है ये 23% का रिटर्न। मतलब आपको 78%, मतलब लिस्टेड जब हुआ था IPO में, इसका जो IPO आया था लिस्टेड हुआ था तो 332 में लिस्टेड हुआ था और आज के डेट में इसका 411 रुपीज़ है। तो लगभग एक साल भी नहीं हुआ है लेकिन बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया मेरे हिसाब से। सबसे बड़ी बात ये मार्केट का 17% मार्केट शेयर होल्ड करके बैठा, इतना स्ट्रॉन्ग इसका बिजनेस मॉडल है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये स्टॉक आगे जाकर बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है अपने इन्वेस्टर को। और हाँ, बाकी अगर हम लोग डिविडेंड की बात किया जाए तो एक साल भी नहीं हुआ शायद, इसीलिए ये डिविडेंड प्रोवाइड नहीं किया है। लेकिन मेरे हिसाब से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, हमारा कुछ पोर्टफोलियो में इसका कुछ स्टॉक डेफिनेटली रहना चाहिए। फिर भी दोस्तों, आप जिससे हर वक्त मैं बोलता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट के बारे में और भी ज़्यादा रिसर्च कीजिए, इसका कंप्लीट फाइनेंशियल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छे से देखिए, आपके हिसाब से आपको अच्छा लगे तो जाकर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। और हमारे हमको सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको आगे कौन से कंपनी का केस स्टडी के बारे में जानना है, हम वो आपके लिए डेफिनेटली बना देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।